मैं डॉक्टर राकेश कुमार, वर्किंग एज डेंटल असिस्टेंट सर्जन एट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किंगकोटी में काम कर रहे हैं। इधर डेंटल डिपार्टमेंट का फर्स्ट काम कर रहे हैं हम। और आजकल तकरीबन जो आम पब्लिक को देख रहे हैं, कॉमन डेंटल डिजीजेस के बारे में बात करेंगे आज हम। कॉमन डेंटल डिजीजेस क्या है? पहले तो डेंटल केरीज है, उसके बाद वो पहले डेंटल केरीज क्या कैसा इनिशियल स्टेज में कैसा स्टार्ट होता बोले तो छोटा पिट एंड फिशर केरीज के साथ स्टार्ट होके हल्लू आपका नस तक चले जाएगा। नस तक चले जाके हड्डी का इन्फेक्शन भी होगा और हड्डी का इन्फेक्शन नीचे स्प्रेड होके पीप का गोला जैसा बड़ा सूजन भी आ जाएगा। वैसा हर दांत को इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाएगा। इनिशियल स्टेजेस में डेंटल केरीज को कैसा अरेस्ट करना है बोले तो नॉर्मल फिलिंग कर दिए तो अच्छा हो जाएगा। अगर अंदर नस तक चले गया तो बारी बारी रूट कैनल और नस का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा उसको। और उससे भी ज़्यादा स्प्रेड हो गया अलबत्ता बोले तो उसको दांत निकालने तक स्प्रेड हो जाएगा। अगर इनिशियल फेज में है बोले तो अभी सीमेंट फिलिंग या आपको कॉम्पोजिट फिलिंग है, अभी लेटेस्ट जो आ गए अपने मार्केट में कॉम्पोजिट फिलिंग या ऐसा कुछ करके उसको परमानेंट इलाज कर सकते हैं। अलबत्ता वो अंदर तक चले गया तो उसको नस का इलाज करना पड़ता है। अलबत्ता नस का ट्रीटमेंट 4-5 मरतबा में करना पड़ेगा। और आजकल अभी सिंगल सिटिंग में भी कर रहे हैं। और नस का ट्रीटमेंट को क्या है बोलते दांत नहीं निकाले, दांत को रिपेयर करके उसको बचा के अच्छा उसको फंक्शनिंग में लेके आने का ट्रीटमेंट है। और उसके ऊपर नस का ट्रीटमेंट करने के बाद आपको उसके ऊपर कैप करना पड़ेगा। कैप जो है जर्कोनिया का रहेगा, मेटल सिरेमिक का रहेगा, मेटल का रहेगा, ऐसा डिफरेंट प्राइजेस के हिसाब से अभी कैप्स रहेंगे। अभी आपको क्या है बोल तो जर्कोनिया कैप्स जो है अभी मार्केट में फ्रीली अवेलेबल है। और जर्कोनिया कैप्स जो है अभी लेटेस्ट ट्रेंड है और वही अच्छा रहेगा। अगर दांत को अलबत्तापन सही सी तरह से बचाने का है तो रूट कैनाल करके उसको कैप बिटाना पड़ेगा। और एक चीज़ क्या है बोले तो बहुत अक्सर अपने पेशेंट्स जो है मुंह बदबू से रिलेटेड आएंगे इधर। वो बदबू क्या है बोल तो अपन ब्रशिंग टेक्निक करेक्ट नहीं करे तो एक बार और मुंह में स्टिकी सब्सटेंस सलाइवा जो है वो स्टिकी रहे तो क्लीन अच्छा प्रॉपर से तरह से नहीं करे तो बदबू आएगा। और उसके सिवा कैलकुलस और पास पूरा जम जाएगा और गम्स में मसूड़ा में और दांत के सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स में पूरा जम गए तो उसको अपन क्या है बोलते नॉर्मल ओरल प्रोफिलैक्सिस बोल के करते हैं। वो अलबत्ता क्या है बोलते मशीन रहेगा, मशीन से पूरा दांत की सफाई करेंगे, दांत और मसूड़ा का सफाई होगा, उससे दांत को गटपन आएगा और अलबत्ता बदबू के जो है बैड ब्रेथ बोलते हैं जो बदबू आएंगे वो भी साफ हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। और उसके हिसाब से अपन ऑइंटमेंट्स और माउथ वॉश इस्तेमाल करें तो आपको 100% क्योर रहेगा बैड ब्रेथ का हिसाब से। और थोड़ा दांत का हिसाब से दांत निकाले तो आजकल क्या है बोलते हो इम्प्लांट्स बोल के आ गए हैं लेटेस्ट ट्रेंड में। सिंगल अबटमेंट इम्प्लांट्स, मल्टीपल इम्प्लांट्स और बहुत इम्प्लांट्स है उसमें। इम्प्लांट्स क्या है बोलते वन ऑफ द रिप्लेसमेंट दांत के हिसाब से रिप्लेस कर सकते हैं और वो अच्छा रहेगा। आजकल ट्रेंडिंग वो इम्प्लांट्स ही चल रहा है, उसके हिसाब से आप सिंगल इम्प्लांट्स और ब्रिज इम्प्लांट्स वैसा भी कर सकते हैं।